लास्ट सेवेंथ हमने आपको 2.5 तक पढ़ा दिया था, आज आपकी बारी है 2.6 की बारी है। 2.6 2.7 आज कंप्लीट करेंगे तो हमारा चैप्टर टू क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज 2.6 हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.6 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, पर डेसिमल है, थोड़ा टेंशन यही है। फाइंड 0.2 × 6, आपने केवल क्या करना है, 6 × 2 = 12, एक प्लेस के बाद डेसिमल, और डेसिमल पीछे से स्टार्ट करेंगे आप लोग, पीछे से स्टार्ट करेंगे डेसिमल, या कहेंगे तो आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे एक प्लेस के बाद डेसिमल। अब नेक्स्ट है हमारा 211.02 × 4, अब फोर्सेस को मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन जैसा आप लोगों को आता होगा, मैं अपने कर दूँ, कुछ कुछ बच्चों को समझ नहीं आता होगा। 211 × 4 × 4, 4 × 8 = 0, 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 8। अब देखिए दो प्लेस के बाद डेसिमल, पीछे से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, राइट हैंड साइड से चलेंगे हम लोग लेफ्ट की तरफ, दो प्लेस के बाद हो गया हमारा, ये आ गया हमारा 844.08। ठीक है, समझ आएगी नहीं आपको, तो यहाँ से लास्ट से आप स्टार्ट करेंगे एक दो, ये आ गया 844.08। नाउ दिस देखो, राइट से चलेंगे हम लोग लेफ्ट, 8 0 दो प्लेस के बाद डेसिमल। अगला आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू चलेंगे। क्वेश्चन नंबर टू हमारा फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल बनाओ ऐसे करके जिसका लेंथ कितना है आपका बेटा, 5.7 सेंटीमीटर, उसको लेंथ बोलते हैं, और ब्रेथ कितना दे रखा है आपका, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब आप लोग ऑनलाइन से पढ़ने की आदत डालो, कोशिश करो सर से अपने प्रॉब्लम पूछते रहो, लेंथ कितना है 5.7 सेंटीमीटर, ये कितना है 3 सेंटीमीटर, सीधा सीधा 57 को 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जिन बच्चों को नहीं आता है वो रफ में ऐसा कॉलम बनाए, ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखाएं, तो आ गया एक प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ से स्टार्ट करें पीछे से, कितना आ गया 17.1, से आगे से नहीं पीछे से, हाँ 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया इसलिए यहाँ स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में आपका 3.62 × 100, देखो 3.62 × 100, अगर आप इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, वैसे बेटर ये रहेगा पॉइंट को हटाने के लिए, दो प्लेस को हटाने के लिए नीचे क्या लगा दिया, 20 हंड्रेड हंड्रेड का कैंसिल, आंसर आ गया 362, कितना हो गया 362। अब फिर दूसरा सेकेंड वाला हो गया आपका, एक और बात कर देता हूँ इसमें, कौन सा वाला करें, 0.03 × 1000, ये भी इजी गेम है, दो प्लेस को हटाना है, नीचे क्या लगा देंगे 100, ये डेसिमल क्या हो गया कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो गेट कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, इन दो जीरो का कोई काम नहीं है भाई, इन दो जीरो को इस पॉइंट को हटाने के लिए, 0.03 है तो हमने नीचे क्या लगा दिया 100, अब क्या बचा है 3 × 3 = 30, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक है कुछ एक आध क्वेश्चन मैं अपने भी करके दिखाता हूँ आपको, जो बुक में नहीं है, 0.01 × 0.0001, अब ऐसा आ गया, देखो ये 01 है और ये 001 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, कितने प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ से स्टार्ट करो 6 कितना, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया पॉइंट लगा देंगे आप। अब ये जो जीरो लगा इससे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ताकि दिखने में आपको सही लगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया बेटा, ऐसे करके इन क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहे हैं, अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर, तो लिखिए इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इट कवर्स कितना कवर करता है वो, 55.3 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में इतना कवर करता है, तो ये बोल रहा है कि 10 लीटर में कितना, देखो 1 लीटर में अगर इतना कवर करता है, अगर गाड़ी में तेल ज़्यादा भराएंगे तो गाड़ी और ज़्यादा चलेगी, देयरफॉर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, ये डैश का मतलब दोबारा लीटर ऑफ पेट्रोल ऐसे करके लिखना, इट कवर्स 53 किलोमीटर एक में, तो 10 में कितना ज़्यादा, क्या करेंगे इसको, इससे
मल्टीप्लाई करेंगे 5 5, देखो 5 5.3 × 10, ये पॉइंट को हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, 10, एक है, 10 10 गेट कैंसिल, आंसर आ गया 5 5 3 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वैसी है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था। 101.01 × 0.01, ध्यान से सुनिए, इनको मल्टीप्लाई करना है। ये जीरो, ये तो दो जो जीरो है, ये आपको जो पॉइंट जीरो नज़र आ रहा है, इसको हटाने के लिए दो प्लेस है, कितने प्लेस है, दो प्लेस, नीचे क्या लगा दिया मैंने 200, ये पॉइंट क्या हो गया हमारा ख़त्म। ठीक है, अब बेटा सुनो हमारी बात ध्यान से, इस पॉइंट को हटाने के लिए भी अगर आप चाहो, ये पॉइंट हट गया, दो प्लेस है, दो जीरो, 101 को 1001 मतलब यूनिट, 10 100 1000 10000 101 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने का उतने आएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते उतने का उतने आएगा, और नीचे 1 2 3 4 जीरो लिख रखा है, 10101, 1 2 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल, ये आ गया 1.0101। टेप ना नहीं है, मैंने इसके अगर कुछ पार्ट कम करे हैं तो आप लोग उसको घर में दोबारा करेंगे, फिर आप देखेंगे जो रॉन्ग आ रहा है मुझे आप भेजेंगे, बोलेंगे सर समझाओ हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, 1.0, हमारी ऑनलाइन स्टडी डिफरेंट है, औरों की तरह नहीं है कि आप यूट्यूब में चैनल है तो आप पूछना, आप हमसे पूछेंगे सर ये समझ नहीं आया बताओ, आप हमसे पूछेंगे तो हमें लगेगा बढ़िया, और अपने व्यूज़ आप हमारे चैनल में आप देते रहिए। हाँ, 1.07 × 0.02, यहाँ देखो कितने प्लेस है हमारे, ये 2 और ये 2 4। अब यहाँ देखो 2 हटाने हैं, 2 हटाने के लिए इतने नीचे रहा 4 0, पॉइंट पॉइंट क्या हो गया कैंसिल, ये 2 0 का कोई 2 के आगे 2 0 इसका कोई काम नहीं है भाई, 107 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 107 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 214, 1 2 3 4 प्लेस, यहाँ लिखा हमने 214, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना आ गया हमारा 0.0214, क्या आ गया 0.0214, ऐसे करके आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होता है, आप बाकी क्वेश्चंस करेंगे, फिर आप बोलेंगे सर हमें समझ आया या नहीं आया। अब हम आपको 2.7 सिखा रहे हैं आपको, ठीक है, एक्सरसाइज 2.7, एक्सरसाइज 2.7 से ये मल्टीप्लाई था और ये डिवाइडेड डेसिमल का, मैथ्स की जो बेसिक चीज़ें फ्रैक्शंस डेसिमल्स ये आप लोगों को ढंग से आना चाहिए, ये नहीं आएगा फिर मैथ्स आप आगे सीख ही नहीं पाओगे, पूरे रूल के साथ आना चाहिए। चलिए एक्सरसाइज 2.7 का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का सिंपल लिख रखा है, देखो 651.2 / 4 ऐसे लिख रखा है, तो आप सिंपल सा, हम आपको लॉन्ग डिवीजन शॉर्ट तरीके से सिखा करके मज़ा नहीं है, हम आपको लॉन्ग सिखा रहे, 4 1 4 2 5 4 6 24 1 1 11 4 2 8, 3 ये बच्चों की तरह सिखा रहे हैं हम, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपके जिसके जगह मम्मी पापा को आता होगा बोले अरे सर ये तो आपने ऐसे भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं पर बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाएगा। तो कितना आ गया, बेसिक स्टार्ट करें तो आ गया 162.8, ऐसे करके आप इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड सब बच्चों को आता है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट वाला एक और है, 14.49 को डिवाइड करना है 7 से, 7 2 14, देखो बच्चे कहाँ गलती करेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे फिर 7 7 49 लगाएंगे, 4 आ गया, यहाँ क्या कॉपी करा जाएगा 0, क्योंकि 4 में 7 नहीं जाएगा, 49, 7 7 49, तो ये हमारा खेल क्या हो गया कैंसिल हो गया, सॉरी हमारा कैमरा हिल गया, 7 2 14 ये आ गया आपका, 4 नहीं गया 0 आ गया, 7 7 49, ऐसे करके डिवाइड किया मैंने आपके ये वाला पार्ट करा। अभी मैं इसका अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, अगला पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे बेटा, 272.23 को डिवाइड करना है किससे, 10 से, 272.23 को डिवाइड करना है 10 से, आप लिखोगे 272.23, यहाँ लिखा आपने 10, देखो 10 2 20 7 2 72, 10 7 72 बचा, फिर यहाँ पॉइंट लगाया 2 कॉपी करेंगे 22, 10 2 20 2 3, 10 2 अगेन 23 बचा। जब ये डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं 0, क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है, फिर 10 3 जा
30, तो हमारा आंसर क्या आ गया 27.223। ऐसे करके हम इसमें डिवाइड करेंगे। एक तरीका तो ये है प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके, ठीक है। और वैसे डायरेक्ट तरीका क्या है आपका, देखो 98.55 को डिवाइड, 98.55 को मान लो डिवाइड करना किससे, 100 से। जब डिवाइड करते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल इधर खिसकेगा, ठीक है, इधर खिसकता जाएगा। 10 होगा तो एक प्लेस, 100 है तो दो प्लेस, तो डेसिमल ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ, दो प्लेस खिसक के कहाँ जाएगा, देखो एक दो, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 0.9। अब मेरी बात सुनो, 98.55 को डिवाइड करो 4 जीरो से, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे तो वही 9855, दो प्लेस ये है और 4 ये है, तो 6 प्लेस खिसकेगा आगे, 1 2 3 4 5 6। आपके मन में डाउट आता है, ज़रूर सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो मज़ा आएगा, हमें भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ाने में। 1 2 3 4 5 ऐसा आ गया, क्या करेंगे 9855, एक देखो दो तो है ही है, 2 3 4 5 6 7 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, पॉइंट लगा दिया। ये वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने इसको 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपने देखना है, ठीक है। अब क्योंकि ऑनलाइन वाली पढ़ाई है, अच्छे तरीके से टीचर को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी भी देखेगी, पापा भी देखेंगे, सर ने कैसे पढ़ाया, मेरे बच्चे को कैसे समझाया, ठीक है, तो थोड़ा और कॉन्शियस वाली बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2.7। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, हर क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके, आपको किससे समझ आ रहा है बात ये भी है बेटा। 2.7 डिवाइडेड बाय 100, अब 2.7 को 100 से डिवाइड करना, सेम गेम है, 2.7 अपॉन 100। अब यहाँ देखो एक प्लेस ऑलरेडी है, दो और हो गया, तीन प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3 ये हो गया 0, एक तरीका ये हो गया। दूसरा डिवाइड करके, बोले सर ऐसे समझ नहीं आ रहा, मैम नंबर नहीं देगी, तो ऐसे करो ये सेकंड तरीका, ठीक है, 100 से डिवाइड करके, देखो 27 है और ये 100 है, तो यहाँ 0 आ गया, अब ये 270 हो गया और ये 100 हो गया, 100 2 जा 70, फिर 0 कॉपी करा, ये 0 चलता रहेगा, डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं आप, 107 जा 7, ये डिवाइड करके सिखाया। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th में ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th कह रहा है हमें 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, सेम सवाल बार 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 वैसे क्वेश्चन आ रहा है, चलो इस बार वैसे डिवाइड करके दिखाते हैं। 7.9 को किससे डिवाइड करना है, 1000 से। अब बच्चा यहाँ थोड़ा बेचारा ऐसे करके डिवाइड करने में उसे टेंशन हो जाएगा, सर क्या करें हमें तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आपको समझना, मत ऐसे सीन में आप परेशान हो जाएंगे, तो आप लोग क्या करेंगे 7.9 अपॉन 1000, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या लगाया मैंने 0। अब ये वाला डेसिमल क्या हो गया है, देखो अब हम डिवाइड कर सकते हैं, अब आपको मुश्किल नहीं होगा, तो 79 को डिवाइड करना है किससे, 10000 से, ठीक है, 79 को डिवाइड करना है किससे, आपने 10000 से डिवाइड करना है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहले यहाँ तो आ गया 0. देखो 79 है ना आपका और ये 10000 है, यह आएगा 0. पहले हमने 0 लगा, देखो 0.00, फिर आपने 0 लगाया नहीं गया, फिर 0, फिर 0, फिर 0, पर बच्चे आप इसमें कंफ्यूज होगे थोड़ा। अभी देखो अभी ये अभी भी नहीं जा रहा, अब जाएगा शायद, ये 10000 7 जा 70000, फिर 0 10000 9 जा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक मेथड ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा बेकार आपके लिए, दूसरा इजी वाला मेथड दिस अपॉन 1000 देखा, पॉइंट को हटाने के लिए 0 हटाया। अब सिंपल सा तरीका 79, 1 2 3 4 प्लेस के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 प्लेस के बाद, तो 0.00 क्या आ गया 79, 0.00 ये रॉन्ग हो गया हमारा भी, वही बोला ना बच्चे कंफ्यूज, मास्टर ही कंफ्यूज हो गया। देखो 79 को डिवाइड करना है बेटा 10000 से, पॉइंट आया है यहाँ पर 0, यहाँ 0 आया, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0 आया, फिर यहाँ एक और 0 लगा, अब आएगा 10000 7 जा 70000, फिर 0 10000 9 जा, ऐसे करके डिवाइड होगा, ये वाला मेथड रॉन्ग होगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने करना, ये सबसे ईजी है, जीजा सीधा प्लेस देख के नीचे ये वाला नंबर। इसमें टेंशन कहाँ होता है बेटा, देखो
क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 8, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। टेंशन तब होता है जब अब 7 डिवाइडेड बाय 3.5, 7 को डिवाइड करना 3.5 से, ठीक है, 7 को डिवाइड करना 3.5 से, तो होगा 7/3.5। पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 लगाया, अब 70 को डिवाइड करो किससे, 35 से, 35 2 70। एक और कर देते हैं हम लोग, देखो 7.75 को डिवाइड करना है किससे, 0.25 से, यहाँ भी दो प्लेस है और यहाँ भी, तो पॉइंट पॉइंट क्या हो गया कैंसिल। 7.25 को किससे डिवाइड करना है, 25 से, 7.25 को 25 से, 25 2 50, 25 9 225, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 29 क्या आ गया। आप सुंदर सुंदर करिए, सर तो सुंदर कर नहीं रहे लेकिन आप लोग सुंदर सुंदर करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको, आज तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाद मैं इसके बढ़िया बढ़िया चीज़ें कराऊंगा, क्योंकि इससे मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। आपको और बढ़िया मैंने पढ़ाना है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ और बढ़िया सी चीज़ सिखाई जाए आपको। अब यहाँ देखो एक और क्वेश्चन है, 2.73 डिवाइडेड बाय 1.3, ये 2.73 है और ये 1.3 है। देखो अब क्या खेल बनेगा, ऊपर दो प्लेस नीचे एक प्लेस, कोशिश ये करनी है बेटा कि जो नीचे वाला डेसिमल है ये हट जाए। इसको हटाने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे, पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या लगाएंगे, 10। तो अब ये क्या हो गया बेटा, 2.73 × 10, ऊपर वाले का चाहे भले ही मत हटाओ लेकिन नीचे वाले डेसिमल से मुक्त हो गया, तो क्या हो गया, 13। समझ आया। अब 273 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2730, नीचे 13, और ये 2.73 है क्योंकि ये दो प्लेस है, तो दो प्लेस पीछे से हिलेगा, कितना हो गया, 27.30/13, 13 2 26 13, 13 1 13, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। देखो ये जीरो बचा, आप जीरो कॉपी कर सकते हैं, क्या आंसर आ गया, 2.10, क्या आ गया आंसर, 2.10, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका, 37.8 डिवाइडेड बाय 1.4, यहाँ देखो भाई 37.8 को डिवाइड करना है 1.4, क्योंकि एक एक प्लेस है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, ख़त्म हो गया। 378 को किससे डिवाइड करेंगे, 14 से। ये मुश्किल है, अभी प्रैक्टिस मैं बहुत कराऊंगा, ऑनलाइन में अपने बच्चों को मैं बहुत बढ़िया होशियार बनाऊंगा, बस मैं चाहता हूँ बच्चे मेरे दोस्त बन जाएँ और दोस्त की तरह मेरे से क्वेश्चन पूछते रहे, ठीक है। 7 में से 8 9 आ गया, 98, ठीक है। अब यहाँ देखो 14 2 28 9 98, 14 5 17 14 6 84 14 7 98, तो क्या आंसर आ गया इसका बेटा, 27 इसका आंसर। ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इसका, अब आप बाकी क्वेश्चन करेंगे, जो प्रॉब्लम आया जो डाउट होएगा आप मेरे से पूछेंगे, आपका मुझे समझ नहीं आया सर आपने बहुत बेकार पढ़ाया। देखो अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4, एक गाड़ी 43.2 किलोमीटर कवर करती है 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो एक लीटर में कितना कवर करेगी, एक लीटर में कितना कवर करेगी, तो क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल इट कवर्स, कितना कवर करती है वो, 43.2 किलोमीटर। अगर इतना लीटर पेट्रोल है तो इतना कवर करती है, अगर आप एक ही लीटर पेट्रोल डलाएंगे गाड़ी में तो गाड़ी क्या करेगी, डिस्टेंस कम कवर करेगी, क्योंकि तेल क्या है गाड़ी में, कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देखो 43.2, जब यहाँ भी एक प्लेस हो, यहाँ भी एक प्लेस हो, डेसिमल का ये क्या हो गया, कैंसिल। अब 432 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 से, 24 1 24, 13 में से 4 9, 292, ठीक है। अब 24 देखो, अब क्या करेंगे, 24 1 24, 24 2 48 होता है, 13 में से 4 9, 3 में से 2 192, 24 8 जा 8 चूँकि 32, 24 8 जा कितना आ गया, 192, तो कितना किलोमीटर कवर करेगी वो, 18 किलोमीटर क्या करेगी, कवर करेगी। ऐसे करके आप देखते रहेंगे, ठीक है भाई। अब जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बताइए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर है 8899151013 पर आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैसेज भेजिए, बोलिए सर आपका पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या समझ नहीं आ रहा है, हमारे चैनल में अपने व्यूज़ ज़रूर देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द
रेडियो।